लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण दुष्ट राक्षस योनि से मुक्त किया है। हम सब शापित देवता थे और मैं शंभदेव इन सब का अधिपति था। एक अक्षम्य अपराध के कारण हमें एक ऋषि ने शाप देकर राक्षस बना दिया था। जब हमने उनसे क्षमा प्रार्थना की तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, एक तेजस्वी सूर्यपुत्र के हाथों हमारा उद्धार होगा। आप धन्य है सूर्यपुत्र, आप धन्य है सूर्यपुत्र। हम इन शब्दों में आपका आभार प्रकट करते हैं।
नदियां बहने में एक क्षण की देर लगती है तो आज मैं जीवित हूं। महादेव की कृपा से ये शुभ कार्य करता है, हमें अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया। सूर्यपुत्र, मैं विंध्य प्रदेश का राजा चंद्र सिंह और यह मेरी उपलब्धि राज्य बन गई है। अब मेरे राज्य और मेरे आपके चरणों में भगवान शिव ने आपको भेजकर मेरा जीवन बचा लिया। शिव कृपा से प्राप्त ये शेष जीवन मैं वनप्रस्थ होकर शिव भक्ति में व्यतीत कर रहा हूं। आप मेरा राज्य और पुत्री वत्सला को स्वीकार कर मुझे उपकृत करें। इनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। नहीं महाराज चंद्रसेन, मैंने जो कुछ भी किया अपना धर्म समझा। धर्म का पालन किसी प्रतिदान के लिए नहीं किया जाता, आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। और फिर जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक संयोग है। शापित देवताओं के उद्धार का कर्तव्य भी तो निभाना था मुझे। मैं आपका अनुरोध स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मुझे क्षमा करें। मैं तन मन से अपने रक्षक के चरणों में समर्पित हो चुकी हूं सूर्यपुत्र। महान सूर्य पुत्र, वत्सला को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें और विंध्य का राज्य ग्रहण करें। नहीं महाराज, मैं विवश हूं। वैसे भी ये मन और जीवन किसी और की तरह, मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु निराश ना, मैं भविष्य में आपके राज्य और राजकुमारी वत्सला की रक्षा करूं वचन देता हूं। जब भी आवश्यकता होगी के कारण उपस्थित हो जाएगा। प्रणाम। मान उतारी सुरपुत्र कर्ण की, मान उतारी सुरपुत्र कर्ण की, मान उतारी सुरपुत्र कर्ण की। आज की रात मेरे कुंती और पांडव के जीवन काल में अब कोई प्रभाव नहीं आएगा गांधारे, मात्र आपके आदेश की प्रतीक्षा। कुछ क्षणों में हस्तिनापुर के घर राज का संपूर्ण परिवार राख के ढेर में परिवर्तित हो जाए। अग्नि की एक ज्योति लगते ही वो विशाल भवन भस्म हो जाएगा और सब कुछ वाह हो जाएगा।
हमारे सारे शत्रु स्वाहा। नरेश, समस्त शत्रु स्वाहा। आपको माफ आदेश दे। इन पांडवों का दाह संस्कार में अपनी आंखों से देख कर जाऊंगा प्रजन। अब तुम और जाकर इन पांडवों को मुखाग्नि दो। अब तो आदेश करना। अब कुछ ही पल में तुम्हारे सारे शत्रु कर रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये भी संदेश
कर्ण मेरे संकेत मात्र पर कर्ण सत्य और धर्म का उसे ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जो बात अधर्म और अन्याय से प्रेरित हो। ये तो अच्छा हुआ कि जब मामा श्री राक्षस रह गई नहीं तो मामा श्री की सारी योजनाएं उनके मस्तिष्क में रह इतिहास बनवाने का।